मेरे यार की शादी है से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया और उसके बाद इन्होंने कई रीजनल सिनेमा में काम किया। हमारे साथ हैं ट्यूलिप जोशी, जिनसे हमने की कुछ खास बातचीत। हाय ट्यूलिप। हाय, वेलकम टू चंडीगढ़ एंड वेलकम टू डे एंड नाइट। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाट इज़ द पर्पस टू कम हियर? मैं आज म्यूज़िक लॉन्च ले आई हूँ और जेट एयरवेज के लिए, और बहुत खुश हूँ विजुअल्स देखे, ऑडियो सुन के, और आई होप सब व्यूअर्स को भी इतना ही मज़ा आ रहा है जितना मुझे मज़ा आ रहा है सुनने में। जो आपकी फिल्म आ रही है जेट एयरवेज, उसमें अपने रोल के बारे में बताइए, बताइए कि आपका पंजाब में शूटिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरी जो किरदार है, एक लड़की का नाम स्वीटी है जो एक दूल्हे का इंतज़ार कर रही है, शी इज़ लुकिंग आउट फॉर अ बॉय टू गेट मैरिड, लेकिन उनको यही है कि उनका वो और अपनी बहन बहुत क्लोज है और ये चाहते हैं कि दोनों एक ही घर में शादी हो और दो भाइयों के साथ। तो ये है बेस लाइन, और मतलब जो जर्नी है, जो स्क्रीन प्ले है, बहुत ही कॉमेडी है और बहुत मज़ा आया शूटिंग करने के टाइम, क्योंकि मेरी पंजाबी तो मैं अभी सीख रही हूँ, लेकिन मतलब सुनने में ही, और जैसे डायलॉग्स ही इतने फ़नी है कि मुझे काफ़ी कभी टाइम लगा 5-6 मिनट 10 मिनट सेटल होने के लिए, देन टू गिव द शॉट। सो इट वॉज़ ग्रेट फन शूटिंग। अल्फाज की जो डेब्यू है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो तो ऑफकोर्स बड़े स्टार है एज अ सिंगर, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ही विल ऑल्सो बी द नेक्स्ट सुपर स्टार ऑफ लाइक एज एन एक्टर इन पंजाब। तो अच्छा, जैसे कि आप पंजाबी सिनेमा में काम करें, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट पंजाबी फिल्म, इससे पहले आप हरभजन मान के साथ थी, तो क्या एक्सपीरियंस था, कैसा लगा? अब आपकी ये आई थिंक तीसरी पंजाबी फिल्म। जी, तीसरी है हरभजन के साथ। मैंने मतलब इंट्रोड्यूस हुई थी पंजाबी सिनेमा में। हरभजन बहुत ही अच्छे सिंगर है और एक्टर, और जो जगजनंद मेले वॉज वेरी वेल रिसीव्ड एंड आई लव्ड द स्टोरी एंड द कैरेक्टर, जो किरदार मैंने किए, दैट्स वॉट गॉट मी इन टू दिस वर्ल्ड ऑफ पंजाबी फिल्म। वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, और ऑफकोर्स अल्फाज इज़ ऑफ अ डिफरेंट, मतलब ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगर, और बहुत ही वर्सटाइल है उसके हर, इन एवरी सॉन्ग आई आस्क हिम इज़ दिस योर वॉइस, बिकॉज वो बहुत, मतलब ही जस्ट चेंजेस हिज वॉइस एंड ही सिंग्स ब्यूटिफुली। बहुत बहुत अच्छा मॉड्यूलेशन है, वॉइस मॉड्यूलेशन और वट एवर टेक्निकल टर्म यू कॉल इट। और रिक्की जी भी बहुत अच्छे, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड अ लवली पर्सन टू वर्क विद। जैसा कि आपने हर रीजन के सिनेमा में काम किया है, साउथ इंडियन हो, बॉलीवुड हो या पंजाबी हो, तो आपको कैसा, सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या डिफ़िकल्टीज आई वहाँ पे काम करने में? आई थिंक सिनेमा सिनेमा, आप जिधर भी काम करो, आप बंगाल में काम करो, नॉर्थ में काम करो, महाराष्ट्र, साउथ, पंजाब, यूरोप, अमेरिका, सब जगह सिनेमा इज़ द सेम। और एज एन एक्टर, बिकॉज मैं इंटेंस रोल करती हूँ, या मैं लव सॉन्ग, मतलब लाइक अ लव जो यू नो हैप्पी सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग, मेरे लिए एक ही है, क्योंकि यू आर परफॉर्मिंग, सो देयर यू हैव टू परफॉर्म विद योर एंटायर, यू नो यू हैव टू पुट इन योर बेस्ट, सो इट्स ऑल द सेम। यही है कि लैंग्वेज शायद अलग हो और आपको समझ में नहीं आओ, सो इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट टू लर्न द डायलॉग्स, बट आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि मेरे हिसाब से जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज हैं, दे आर द क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका फेशियल एक्सप्रेशन ये ज़्यादा मायने रखते हैं। एंड माई कोर स्टार इज़ हियर, अल्फाज। हाय अल्फाज। हाय, हाउ आर यू? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम कर? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था जी। डेब्यू फिल्म है जी, बट मेरे को लगा नहीं, वैसे एक्टर बहुत तकड़ा हूँ मैं। हाँ, इन्होंने बहुत मेरे को, मैं बचपन से इनको देखता आ रहा था एक्चुअली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस है जी। तो जिमें जस्ट तुम पता ही होना, बीनू ढिल्लों जी फिल्म छ गए, तो बिन शर्मा जी, पल्ला साहब, ट्यूलब इज देर, तो सब ने बहुत सपोर्ट किया, लाइक बीइंग पहली फिल्म से मेरी, तो एक्टिंग उक्टिंग ज़्यादा आती नहीं सी, तो एक्टिंग कुछ खास की नहीं, ओवर एक्टिंग बहुत की फिल्म। आपने गाने भी गाए इस फिल्म के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। गाने गाए जी, गाने मैं 3 गाने लिखे जी फिल्म, तो एक रोमांटिक सॉन्ग है जो ट्यूलिप जी नाल है, जो असी थाईलैंड शूट किया सी साइड पर, तो एक बहुत ही देसी टिपिकल ओल्ड स्कूल सॉन्ग है तुम्बी ढोलक वाला गाना, तो एक जी प्रमोशनल सॉन्ग है जो फैंटसी सॉन्ग है, वो असी योयो हनी सिंह नाल शूट किया। ट्यूलिप, जैसे कि आप, हम बॉलीवुड फिल्म्स की हीरोइंस की बात करें, तो बहुत फीमेल प्रोटैगनिस्ट रोल्स आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कितने सक्सेसफुल हैं, और अगर एक जो गुड एक्ट्रेस में हम देखें तो कितने इंटेंस और इस तरह के रोल उन्हें करने चाहिए, आपका क्या कहना है इस बारे? अनफॉर्चुनेटली बहुत कम फिल्में मिलती है हमें, जैसे मैंने की मातृभूमि या धोखा, ऐसे बहुत ही कम फीमेल ओरिएंटेड रोल्स मिलते हैं, तो बट आई थिंक दैट्स वैलिड फॉर इवन हॉलीवुड और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो
इट्स टू बैड फॉर वुमेन, बट आई थिंक देर आर सम गुड फिल्म, अच्छे फिल्म बन रही हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन बन रही हैं. तो मतलब इतने बहुत कॉम्पिटिशन है और कम रोल्स हैं, सो आई मीन मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऑलरेडी मौका मिला है कि आई हैव डन टू फीमेल ओरिएंटेड रोल्स, और आई विश कि मुझे और अच्छे स्क्रिप्ट्स मिले. कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है हु यू लुक टू? आई लाइक आई थिंक सुष्मिता सेन इज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस. हु इज योर फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? बहुत हैं, अब क्या देखी बन चेंजिंग. हाँ, नेहा धूपिया भी मेरे को बहुत पसंद थी पहले, अब अनुष्का शर्मा, उमा कुरैशी, लाइन बहुत है जी. किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? ऐसा कुछ नहीं जी, मैं वैसे मिलना चाहूँगा उनके एक बार. नहीं लाइक ऑब्वियसली लाइक आई लाइक टू वर्क विद ऑल ऑफ देम. लाइक जोक्स अबाउट, आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया था जी, बहुत बढ़िया. मैंने इनकी फिल्म देखी थी जी, मेरे यार की शादी है, तब से मतलब ये चीज़ में फैंटेसी, तो मैं इनके साथ काम करना है, तो इनके लिए गाना भी गाया मैंने फिल्म में. तो अच्छा लगा, दैट सॉन्ग इज़ वेरी गुड एंड आई होप इट डज वेल एंड आई एम श्योर इट विल बिकॉज आई वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस सॉन्ग. आई थिंक दैट सॉन्ग डू वेल. जैसे कि तीज का फेस्टिवल आ रहा है, तो उस मौके पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना है? तीज 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 ओके, इट्स लाइक लड़कियों का त्यौहार होता है यार, लड़कियों को ब्लेसिंग देनी होती है. आप ही दे दीजिए. मैं दिंदा जी सारी तीज के मौके पर पंजाब नू सारे फैमिलीज नू पूरी बधाई है जी, तीज का त्यौहार वधिया तरीके ना मनाओ, जो सारे दिवाली होली आप मनाने हैं, क्योंकि मैंने आई फील कि तीज का त्यौहार थोड़ा जहा पिछे हट रहे हैं लोग, लेकिन वो नहीं मतलब उत्साहित मनाते नहीं है, पर दे शुड सैलीब्रेट बिकॉज इदा कल्चर ने संभाल के रखना चाहिए अपन. What I would like to greet the viewers is 15th August, जो इंडिपेंडेंस डे है, एंड आई लव माई कंट्री, आई लव इंडिया, जय हिंद. तो ये थी हमारे साथ ट्यूलिप जोशी और अल्फाज, जिन्होंने हमारे व्यूवर्स को तीज और इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी. कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज चैनल. खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.